सर मॉर्निंग, अमेरिकी मार्केट्स कहीं से भी निराश नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एशियन मार्केट्स छुट्टी पर रहने वाले हैं, तो हमारे मार्केट्स आज कैसे बिहेव करेंगे सर? निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या करना है? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए तीन चीजें थी कल जिसकी वजह से बाजार, रादर चार चीजें जिनकी वजह से बाजार थोड़े से परेशान थे। पहला तो इसराइल का और लेबनान का जो युद्ध चल रहा है, जो भी उसको लेकर जो दिक्कतें थी वो अभी भी वैसी की वैसी है, न बढ़ी है न घटी है। और दूसरी बात यह कि चीन को लेकर लोगों को डर था कि वहाँ पर थोड़ा पैसा जा सकता है। तीसरा ये था कि एफएनओ को लेकर किसी तरह के नियम कड़े किए जा सकते हैं सेबी की बोर्ड बैठक में, तो वो कुछ हुआ नहीं। तो दो चीज़ें तो आपके लिए ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा जो चीन को लेकर जो डर था वो कल काफ़ी हद तक एफआईएस के आंकड़ों में नजर आया, क्योंकि एफआईएस ने कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में दमदार बिकवाली की है। सो आई थिंक पॉजिटिव साइड पर अगर आप देखेंगे तो ये है कि ग्लोबल मार्केट स्टेबल है और कहीं से और दूसरी बुरी खबरें आती नहीं दिखी है। नेगेटिव साइड पर देखेंगे तो ये है कि एफआईएस ने कल दमदार बिकवाली की है और यही वजह कि आप बाजार को आज थोड़ा सा दोनों तरफ की ट्रेडिंग के तौर पर देखेंगे, शांत शुरुआत के संकेत इसीलिए आते देख रहे हैं। और अगर शांत शुरुआत हो और उसके बाद सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो वहाँ हल्की फुल्की खरीदारी की जा सकती है। ऊपरी लेवल पर अगर आए तो वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके अपनी पोजीशन हल्की की जा सकती है। दिक्कत एक ही है कि जैसे आप 25,775 के नीचे यानी कि कल के लोज के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो इमीडिएटली कोई खास सपोर्ट विजिबल है नहीं, तब सपोर्ट सीधा 25,475 से 25,625 की रेंज में आता है जो काफ़ी दूर है। ऊपरी स्तरों पर 25,940, 26,025 ये वो रेंज है जहाँ पर एक बार बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 52,425, 52,575 ये आपके लिए इमीडिएटली सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 53,175, 53,350 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको सपोर्ट नजर आएगा। तो इन लेवल्स पर फोकस करिए और ध्यान रखिए क्योंकि एफआईएस की बिकवाली ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा टिकने नहीं देगी और साथ ही थोड़ा सा हमारे दूसरी ठीक ठाक सी खबरें स्पेशली अमेरिका में लाइफ आई जो बने क्लोजिंग बेसिस पे वो आपको निचले स्तरों पर सपोर्ट भी देंगे। तो दोनों तरफ के ट्रेड आज आपको मिल सकते हैं। कल चूंकि हमारे बाजार बंद है, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव बाजार में बढ़ सकता है, ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। जी वैलिड पॉइंट सर, हम एक उतार चढ़ाव भरे सेशन के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन सर ने जो यहाँ पर आपको रेंज मेंशन की है प्राइमरीली इसी में ही आज कारोबार आपको देखने को मिलेगा।